ये देखिए, यही है गेट जेल का। अंदर गांव जैसा एकदम लुक बनाया गया। आप देख सकते हो यहाँ का जो नज़ारा है कितना खूबसूरत सा है। टोटली एकदम गांव का फील आता है, गांव वाला एकदम वाइब्स। ठीक जेल के बाहर बहुत ही खूबसूरत सा बड़ा सा एकदम स्टैचू है भगवान बिरसा मुंडा जी का। ये है बच्चों के लिए झूला वगैरह लगाया गया, वो आप देख रहे हो। PVR सिनेमा न्यूक्लियस मॉल, यहाँ पे बहुत जल्दी बंद कर दिया जाता है 5 बजे के आसपास में। व्यू चेकआउट कीजिए, बहुत खूबसूरत सा व्यू है। ये जगह पे फोटो शूट करवा सकते हो, जा चुके हैं पहले अपना लोकेशन चूज करके। बहुत तेज हो रहे हो। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सभी दोस्तों? मुझे पता चला है कि न्यूक्लियस मॉल के जस्ट सामने एक पार्क है जिसका नाम है बिरसा मुंडा स्मृति पार्क। ओके, और इसको हम लोग जेल पार्क भी बोलते हैं। और ये कहाँ पे पड़ता है मैं बता देता हूँ, जेल मोड़ और फिरायलाल के बीच में पड़ता है। ठीक है, तो आज अपन वहीं पे जाएंगे। एंट्री बिल्कुल फ्री है, ठीक है, कोई एंट्री चार्ज नहीं है। और अंदर में एक जेल भी है, ठीक है, जिसमें बिरसा मुंडा जी का जो लाइफ है वो दिखाया गया अच्छे से। और बड़े बड़े स्टैचू हैं, फ्लावर्स है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया अंदर में। तो अंदर का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। ठीक है, तो आज अपन वहीं पे जाएंगे, आप लोग को इस वीडियो में वहीं का नज़ारा देखने को मिलेगा। तो बस ब्लॉग में बस बने रहें, हम लोग डायरेक्ट चलते हैं पार्क के पास। ठीक है, बाय। A few inches later, देख सकते हो आप हम लोग पहुंच चुके हैं। ये है जेल पार्क का जो मेन गेट है, एंट्री गेट है। ठीक है, यही है फिरायलाल रोड, आगे जो चल जाता है फिरायलाल। ठीक है, और यहाँ से एंट्री गेट है जेल पार्क का। तो चलिए अंदर जाते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। ओके, तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे बिरसा मुंडा स्मृति पार्क जो है यहाँ पे जेल पार्क। ठीक है, और मेरे साथ मेरी बहन है अनु। हाय, कैसी है? मस्त। ठीक है, तो ये भी साथ में जाना चाह रही थी तो ले आए। चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आप लोग को। ठीक है, ब्लॉग में बने रहे। ओके, तो आप देख सकते हैं ये है जेल पार्क। ठीक है, बाहर का ये जो गेट है और यहाँ पे पार्किंग एरिया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अंदर। यहाँ पे मैप है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कहाँ पे क्या है और अंदर का ये नज़ारा। पहले हम लोग उधर जाएंगे, ठीक है, वो जेल है और मंदिर भी वहाँ पे, और बिरसा मुंडा जी का जो सबसे बड़ा स्टैचू है वो भी अंदर में ही है। तो चलिए चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है। ठीक है, दुर्गा माता जी का मंदिर है और शिव भगवान का। और यहाँ पे एक पेड़ है पीपल का, जस्ट मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ व्यू। यस, ये रहा मंदिर। चलिए आप लोग को मंदिर के अंदर का व्यू दिखाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये देखिए दुर्गा माँ का प्रतिमा, बहुत ही खूबसूरत है। और अंदर एक शिव भगवान का मंदिर है। ठीक है, मैं अंदर अभी नहीं जा सकता, ठीक है, रीज़न अभी नहीं बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और वो देखिए बिरसा मुंडा संग्रहालय, यही है जेल। इसी में आप लोग को बिरसा मुंडा का जो लाइफ था वो दिखाया गया है इसमें, और उनका जीवनी वगैरह उनका जो भी था वो अंदर ही है। ठीक है, जेल वगैरह। तो चलिए अंदर बढ़ते हैं। ये देखिए, यही है गेट जेल का, और अंदर चलते हैं। ये देख सकते हो एकदम जेल का ही लुक है, और काफ़ी सारे यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है पे कोटेशंस। ओके दोस्तों, ये आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ स्टैचू है, और ये नॉर्मल कॉमन मैन का स्टैचू है। ठीक है, अंदर गांव जैसा एकदम लुक बनाया गया, बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। ठीक है, और वो जेल की दीवारें हैं। आज यहीं पे बंद कर देंगे अनु को। बहन डर गई, बहन डर गई। ये देखिए आप, अलग अलग रूम्स बना हुआ है और सब लॉक है, किसी को अंदर जाना अलाउ नहीं है। और ये देखिए अंदर का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत सारे स्टैचू हैं। ठीक है, आप लोग को एक एक करके दिखाते हैं। ये देखिए गंगा नारायण सिंह, ठीक है, ये इनका स्टैचू रहा। और भी कई सारे हैं, पोतो हो, और ये है वीर बुद्ध भगत जी। ठीक है, इनका भी स्टैचू देख लीजिए आप। एंड ये है भागीरथ मांझी, इनका नाम मैंने सुना है कहीं। एंड ये है तेलंगा खड़िया, ठीक है, और उसी के साथ यहाँ पे भी कुछ कुछ बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वेल दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ का जो नज़ारा है कितना खूबसूरत सा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया है, गार्डनिंग हो गया हो, फ्लावर्स हो गया हो, या जो भी आप बोलो, बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया। और ये जितना भी आपको दिख रहा है ये जेल के अंदर का पार्ट है। अभी हम लोग नेक्स्ट उधर साइड जाएंगे, ठीक है, उसके पार, तो उधर भी आप लोग को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और
ये देख रहे हो आप, प्लांटिंग की जा रही है, एकदम पानी पटाया जा रहा है एक तरह से, और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पाइपिंग किया हुआ, ठीक है। और ये देखिए विंडो वगैरह, इसके अंदर का आप लोग को नज़ारा दिखाते हैं। रूम टाइप से ये नॉर्मल, जस्ट देखिए नॉर्मल रूम टाइप से ही है, कुछ स्पेशल तो है नहीं अंदर वैसा, बस गेट लगा हुआ है। एक तरह से ये दर्शाया गया है जेल को, और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये विंडोज़ वगैरह हैं, और यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनमें से एक अभी हमको मिले, वो वहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको, ठीक है। उन्होंने मेरे को पूछा यूट्यूब चैनल आपका, और जस्ट मेरा चैनल को सब्सक्राइब किए और बोले वेट करेंगे मेरे वीडियोज़ का। हर तरफ सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं, सो आप यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, तोड़ फोड़। और अभी अभी देख सकते हैं ये जेल का जो गेट बना हुआ है, फैमिली लोग भी आते ही रहते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये देखिए ये सारी दीवारें, जेल का गेट, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे स्टैचू हैं बड़े बड़े, ठीक है। और अंदर उधर से ही हम लोग आए थे, तो ये स्टैचू भी लगातार उधर से जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और उस साइड जाते हैं दीवार के, उस साइड भी बहुत ही अच्छा अच्छा व्यू है, तो बस आप लोग ब्लॉग में बने रहे हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हो, कितना अच्छा लगता है ये सब देख करके, टोटली एकदम गांव का फील आता है, गांव वाला एकदम वाइब्स, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे देख रहे खपरेल का घर बहुत ही अच्छा लगता है। एक साइड जेल बना दिया गया, एक साइड दिखाया गया जीवनी वगैरह। तो बस ये रहा जेल का सफ़र, और अब हम लोग चलते हैं दूसरा साइड, ठीक है। यहाँ से हम लोग एग्ज़िट होते हैं, और एग्ज़िट होते ही आप लोग को दिखाते हैं बिरसा मुंडा जो है, उनका जो बड़ा स्टैचू है उनका दिखाते हैं वहाँ पे, ठीक है। ठीक जेल के बाहर बहुत ही खूबसूरत सा बड़ा सा एकदम स्टैचू है भगवान बिरसा मुंडा जी का, ठीक है। बहुत खूबसूरत लग रहा है ये, देख सकते हो आप, झारखंड को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग का, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। ये भी एक गेट है, सेकेंड गेट, ठीक है। और ये देख लीजिए एक मंदिर का नज़ारा, बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं मंदिर के पीछे वाला भाग, और अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरा साइड उधर। ये देखिए ये जेल के बाहर साइड का है, ठीक है। और इधर भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सा नज़ारा है। ये अनु का दोस्त जा रहा है यहाँ से। अभी हम लोग नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, उधर भी बच्चों लोग के लिए पार्क वार्क बनाया गया है, और बहुत ही अच्छा अच्छा डेकोरेट किया गया फ्लावर से, आप देख सकते हो। यहाँ भी बैठने बैठने का यहाँ पे है, बहुत बढ़िया नज़ारा है, और साफ़ सुथरा है सबसे बड़ी बात। हम आए थे 2017 में, ठीक है। 16-17 में हम यहीं रहे थे, रांची में रह रहे थे, 11-12 यहीं से किए थे। तो 2017 में आए थे तो उसमें कुछ भी नहीं था, एकदम लग रहा था एकदम मैदान होता है ना ग्राउंड वैसा टाइप से, और कुछ कुछ झूला लगा हुआ था टूटा फूटा, तो उसी में हम लोग इन्जॉय कर लेते थे यहाँ पे हम लोग को छोटिया ही हम लोग को गाइड कर रही है ये पूरा घूम चुकी है अच्छे से, छप्पा छप्पा जानती है यहाँ पे क्या है नहीं है। वो आप देख रहे हो PVR सिनेमा न्यूक्लियस मॉल कितना सामने है। बोर हो जाएंगे अगर आप लोग तो जा करके मूवीज देख लीजिए, मज़ा आएगा। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था वहाँ पे न्यूक्लियस मॉल है, और उसी के जस्ट जो रोड चला जाता है इधर से वेमेंस कॉलेज चला जाता है, ठीक है। और यहीं से आगे निकलता है जेल चौक, वो जो आप लोग को रोड दिख रहा है बाउंड्री के बाहर। और अभी हम लोग इधर जा रहे हैं, वहाँ पे बच्चों लोग का झूला है, चलिए दिखाते हैं। ये देखिए सामने न्यूक्लियस PVR, और ये है बच्चों के लिए झूला वगैरह लगाया गया। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं या आप भी बच्चे हैं आकर के झूल सकते हैं, बड़ों का झूलना मना है यहाँ पे। अच्छा है ना ये आप देख सकते हो, ये जो बाउंड्री के बाहर जो रोड गया है ये आप लोग को डायरेक्ट निकाल देगा प्लाजा चौक, ठीक है। प्लाजा सिनेमा जो है न्यूक्लियस के जस्ट सामने वाला रोड है, ये यही बाउंड्री है इसका। ये बहुत ही अच्छा बना हुआ ये, तो ये देखिए अब व्यू चेकआउट कीजिए, बहुत खूबसूरत सा व्यू है। यहाँ वाटर टैंक है, ये अभी आप देख सकते हो यहाँ पे पता नहीं क्या बनाया गया है, अभी कोई आइडिया नहीं है, अंदर जा कर के देखते हैं, जाने मिल गया तो बढ़िया है। यहाँ पे बैठने का कुछ कुछ बनाया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अगर आप थक जाते हैं, हार जाते हैं ज़िंदगी से तो यहाँ करके विश्राम कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ओके तो अभी आप देख सकते हैं ठीक है यहाँ का नज़ारा वगैरह कैसा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। खैर धूप बहुत ज़्यादा है ठीक है, लेकिन कर भी कह सकते हैं यहाँ पे बहुत जल्दी बंद कर दिया जाता है 5 बजे के आसपास में, 4 बजे से सबको निकालना स्टार्ट कर देता है ठीक है। और अभी बज रहे हैं 4 बज चुके हैं, तो बस हम लोग का भी यहाँ पे अभी कंप्लीट हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ बढ़िया बढ़िया लोकेशन है ठीक है। एक बहुत ही बढ़िया लोकेशन आप लोगों को दिखा रहे हैं ठीक है, आप यहाँ पे अगर आते हो तो ये जगह पे फोटोशूट करवा सकते हो, जा चुके हैं पहले अपना लोकेशन चूज़ करके। बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये बैकग्राउंड जो है ना काफ़ी सुंदर लग रहा है। चलिए यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाते हैं। और यहाँ पे बेसमेंट पार्किंग, अच्छा पार्किंग वार्किंग भी है यहाँ पे बेसमेंट का, बहुत अच्छा अच्छा यहाँ पे डेकोरेट किया गया, सच्ची बता रहे हैं। एक और फ़ोटोशूट जोन मिल गया, यहाँ से अगर आप फ़ोटो लेते हो ठीक है तो आपको पीछे का बैकग्राउंड पूरा मिलता है ठीक है, पीछे का पूरा आपको मिल जाएगा उधर साइड का। तो बढ़िया यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाते हैं ना। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा स्टैचू आप लोगों को दिखाते हैं, ये आप देख सकते हो लॉर्ड गौतम बुद्धा, ये मैंने अपने इंस्टा पेज पे भी डाल रखा है, बहुत ही खूबसूरत सा है। ओके तो यहाँ से भी हम लोग निकलते हैं, बहुत ही अच्छा लगा अंदर का नज़ारा दिख करके। और बिरसा मुंडा जी का जो लाइफ था यहाँ पे, जो जेल में बिताए थे वो सारा चीज़ इसमें दिखाया, बहुत अच्छा लगा ठीक है। आप लोग भी ज़रूर घूमने के लिए, बहुत ही फ्री एंट्री है और लगभग 4-4:30 बजे तक खुला रहता है ठीक है। One hour later. Okay, तो पार्क से निकलने के बाद मुझे कुछ काम याद आ गया था, उसके बाद काम वाम करने के लिए ठीक है मार्केट गया। मार्केट जाने के बाद फिर जस्ट अभी सीढ़ी चढ़ रहे हैं और जा रहे अपना रूम, पहुँच चुके हैं। तो बस तो ये रहा अपना रूम, चलते हैं। ओके दोस्तों तो मैं जैसे ही रूम पहुंचा तो मैं फ्रेश होने के लिए चला गया, फिर बाद मुझे याद आया कि वीडियो को एंड भी करना था इस ब्लॉग को। तो बस यही था जो था ठीक है, जेल पार्क के अंदर का नज़ारा जो भी था, कहीं ना कहीं ये ट्राइबल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, बहुत ही अच्छे से वहाँ पे दिखाया गया है, बहुत ही अच्छे अच्छे मोन्यूमेंट्स थे ठीक है। और एक और चीज़ था कि ये झारखंड की जो संस्कृति है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी आप रांची आइए एक बार ज़रूर जाइए वहाँ पर घूमने के लिए ठीक है, बहुत ही अंदर का अच्छा नज़ारा है ठीक है। और एक और बात कि काफ़ी जगह पे मुझे कुछ लोग ऐसे भी मिले ठीक है, जो अलग अलग जगह पे कमेंट्स कर रहे थे, कमेंट्स पास कर रहे थे ठीक है मेरे ब्लॉगिंग को लेकर के। तो ये वही लोग छपरी लोग हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है, जो भी कैमरा देखें कहीं पे भी तो कुछ ना कुछ एकदम बकना जरूरी है, इमेच्योर लोग हैं ठीक है, उन लोगों को क्या ही पता। सो मुझे इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी लिटरली बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर क्या है ना कि जो भी मिला है उस टाइम पे तो उतना ही दौरान में मुझे याद रहेगा, उसके बाद मैं घर आऊँगा, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम कौन हो ठीक है। तो ये सोच करके मैं चलता हूँ, उस समय जो सुनता हूँ एक कान से सुना दूसरा से निकाल दिया हो गया। तो अपने काम में कभी भी सर मत कीजिए वरना कभी भी आगे आप नहीं बढ़ पाओगे ठीक है। तो जो भी काम हो उसको एकदम दिल से करना है, एंड इट्स जस्ट माई पैशन, ब्लॉगिंग मेरा एक पैशन है, मैं इसे साइड से लेकर के चल रहा हूँ, एक साइड हसल की तरह। तो जस्ट मुझे भी सबसे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा काम हो गया, ब्लॉगिंग कर लिया मैं, अच्छे से आप लोग को दिखाया वहाँ का व्यू वगैरह, बस मेरा यही था। तो अब आप लोग की बारी है, आप लोग को कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।